आप होलसेलर हैं, किसी भी चीज़ के आप होलसेलर हैं, तो क्या आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, मान लो आप जीन्स खरीद रहे हैं या खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं, तो आप ले किससे रहे हैं? ट्रेडर से ले रहे हैं या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं? या आप ट्रेडर से ले रहे हैं लेकिन वो बता रहा है कि भाई हमारा मैन्युफैक्चरर है, तो आपको विश्वास है? वास्तव में क्या आप मैन्युफैक्चरर तक पहुंच पाए हैं? आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो भी, क्या वास्तव में वो मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं, वहाँ तक आप पहुँच पा रहे हैं? तो दोस्तों, हो सकता है कि आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो अपना कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान, या आप, हो सकता है, बेवकूफ़ बन रहे हैं, वो वास्तव में मैन्युफैक्चरर है ही नहीं। तो दोस्तों, आप चाहे जिस लाइन में हो, जिस व्यापार में हो, आपका जो भी बिजनेस हो, तो सबसे बड़ा फायदा आपको तभी मिलेगा जब भी आप डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से अपना सामान खरीद रहे हैं। तो नमस्कार, दीवान गारमेंट में स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं दिनेश आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है यही है, जैसा आप समझ ही सकते हैं कि मैं जींस लाइन में हूँ, जींस का बिजनेस है। तो जींस लाइन, आप अगर जींस लाइन का बिजनेस आप करते हैं, अगर आपका जींस का होलसेलर का है, तो आप माल किससे ले रहे हैं? दलाल के थ्रू ले रहे हैं कि कोई बीच में है एजेंट, या तो आप डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं, या तो आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं? दोस्तों देखो, बहुत कुछ चेंजेस हुआ है आज के इस ऑनलाइन युग में। बड़ी बड़ी ऑनलाइन वेबसाइट हैं, उनके थ्रू, क्योंकि आज का जो युग है, लोग आज भी, दोस्तों, अगर एक्चुअली देखा जाए, जो बड़ा व्यापारी है या जिसका बिजनेस चल रहा है, जो मान लो एक जींस का ही व्यापारी है जिसका बिजनेस चल रहा है, वो ऑनलाइन के चक्कर में क्यों पड़ेगा? क्योंकि उसका इतना काम का प्रेशर है उसके ऊपर, इतना काम का बोझ है, ऑर्डर लेना, ऑर्डर पैक करवाना, उनको काम करते करते दुकान में 12 से 1 बज जाता है, पूरा माल कस्टमरों का पैक करवाना, पहुंचवाना, ट्रांसपोर्ट में डलवाना, एक एक चीज़ को देखना, तो बंदा वो ऑनलाइन देखेगा कहाँ से? सब बोलते हैं कि भाई है, ऐसा नहीं है, ऑनलाइन में भी जो बेच रहे हैं, यूट्यूब पे भी जो अपना वीडियो बनवा रहे हैं, दोस्तों जाहिर नहीं है कि वो अच्छे होलसेलर होंगे, अच्छे मैन्युफैक्चरर होंगे। क्यों? क्योंकि आप जान समझ सकते हैं कि अगर अच्छा मैन्युफैक्चरर है, अच्छा उसका बिजनेस चल रहा है, अच्छा वो जींस बना रहा है, अच्छा व्यापार कर रहा है, कोई भी सामान का, कोई भी प्रोडक्ट का, अगर अच्छा वो व्यापार चल रहा है उसका, क्योंकि माल अच्छा बना रहा है, मार्केट में काफ़ी टाइम से है, तो उसका व्यापार क्यों नहीं चलेगा? और जब उसका व्यापार चल ही रहा है, तो फिर यूट्यूब, ऑनलाइन वो क्यों देखेगा? उसके पास टाइम कहाँ से बचेगा? इतना तो आप समझ सकते हैं कि उसके पास टाइम कहाँ से बचेगा जो इतना टाइम वो देगा। और यूट्यूब में क्या है, यूट्यूब हो या ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट हो, उसमें क्या जाएगा, व्यापारी का नंबर जाएगा, व्यापारी को सारे दिन कॉल आएंगे, 10 पीस के लिए, 20 पीस के लिए, 500 पीस के लिए, 400 पीस के लिए, दिन भर कॉल आएंगे। और हो सकता है कि ऑनलाइन में ऐसा होता है कि नंबर यूट्यूबर दे दिया, दिन भर फोन आते हैं, लेकिन किसके आएंगे, 2 पीस, 4 पीस, 10 पीस, 15 पीस, 20 पीस? तो ऐसा तो व्यापार होएगा नहीं। तो जो बड़ा व्यापारी हो, 2, 4, 10 पीस, 20 पीस के चक्कर में क्यों यूट्यूब पे अपना वीडियो डालेगा? उसके पास इतना टाइम है नहीं दोस्तों। तो एक यूट्यूबर भी बनाता है, एक ब्लॉगर भी बनाता है कि भाई ऐसे व्यापारी, वास्तव में ऐसे व्यापारियों को इतना टाइम नहीं है कि YouTube पे अपना वीडियो बनावे, अपना वीडियो डालें, हर कस्टमरों से इतना बात कर सकें,
क्योंकि उनका धंधा सेटअप है, उनके कस्टमर फिक्स हैं, वो माल ऑफलाइन इतना बेच रहे हैं, वो माल इतना ऑफलाइन उनका जा रहा है, तो उनको ऑनलाइन की ज़रूरत क्या है। तो इसका मतलब जो ब्लॉगर बनाते हैं जींसों का, भाई यहाँ लूट मची है, लूट लो, क्या ये सब फेक है, ये सब झूठ है, ऐसा है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो अभी नया धंधा जमाना शुरू किए हैं, नया बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो उनका नया नया बिजनेस है, मैन्युफैक्चर से सीधा छोटा सा दुकान लिए हैं, नया नया बिजनेस स्टार्ट किए हैं, नया नया सेटअप है, तो इतना तो पैसा नहीं है, छोटे पैसे से उन्होंने बिजनेस शुरू किया है, तो मेन मार्केट में भाड़े का दुकान 40,000 50,000 1 लाख का भाड़े पे लेके बैठ नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे, वो छोटी शुरुआत करेंगे अपनी छोटी दुकानों से, गली के छोटे से, गली के छोटी सी दुकानों से, नुक्कड़ से, कॉर्नर की जो छोटी दुकानें होती हैं, जिनमें वो सोचते हैं कि भाई हमारा भाड़ा कम लगेगा, हमारा नया नया स्टार्टअप है, तो वहाँ से शुरुआत करेंगे ना, वो तो वहीं से शुरुआत करेंगे, और जब वहाँ से शुरुआत करेंगे तो वहाँ तो कस्टमर जाएगा नहीं, क्योंकि कस्टमर जाता है मेन रोड रोड देखते देखते जाता है, बड़ी दुकानों में देखा जहाँ भीड़ है वहाँ से जींस खरीदा और चला गया। और ये जो कोने में बैठे हुए हैं, अंदर गली के अंदर बैठे हुए हैं, इनके पास कस्टमर कैसे जाए? तो इनका एक सहारा है आज का ऑनलाइन, वो चाहे गूगल, चाहे यूट्यूब, चाहे बहुत सी ऑनलाइन शॉपिंग है, बहुत सी ऑनलाइन ऐप्स हैं, जिनके माध्यम से ये फिर अपना, वो चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, ये अपनी दुकानों का प्रचार करते हैं। तो भाइयों, ये भी एक गलत नहीं है, यूट्यूब पे या तो ऑनलाइन पे किसी भी ऐप्स पे अगर ये बिजनेस चालू हो रहा है, लोग बता रहे हैं, तो ये भी गलत नहीं है। मान सकता हूँ कुछ फेक है, क्योंकि होता क्या है कि जो वीडियो में दिखाया जाता है कि 135 रुपये में जींस है, 80 रुपये में जींस है, कैसे तो होती है। अभी मैं एक दुकानदार हूँ, मैंने वीडियो डाली, तो वीडियो में अपना कौन सा प्रोडक्ट डालूँगा? सबसे पहले मैं वही प्रोडक्ट डालूँगा जो कि सस्ता है, वो जो मैं एक दो आर्टिकल बनाया हूँ, जो एक आर्टिकल मान लो जींस ही बनाया हूँ, जो एक आध आर्टिकल एक आध पैटर्न मैंने जींस बनाया है, सस्ती रेंज में, सस्ते कपड़ों में, वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ना। मेरे पास जो है कस्टमर आएगा तो वही 100, जाहिर जरूरी नहीं कि 80 रुपये वाला 125 रुपये वाला जींस उसको पसंद आए, ये भी तो जरूरी नहीं है ना, उसको 125 या 80 रुपये वाली जो मेरी जींस है, उसकी आड़ में जब कस्टमर उसको सुन के आया है, तो उसकी आड़ में जो मेरी 300 400 500 600 की जींस है, वो भी मैं दिखाऊंगा ना, उनके कपड़े दिखाऊंगा ना, तो ये भी तो एक ग्रीडी फैक्टर है, कस्टमर को लाने में, कस्टमर को अपने पास लाने में, कस्टमर को खींचने में, आखिर ये भी तो एक बिजनेस का हिस्सा ही है ना, तो ऐसा सब करते हैं। अभी देखो बात क्या हो रही थी कि मैन्युफैक्चरर से क्या हम जीन्स खरीद पा रहे हैं, या हम अपना कोई भी सामान मैन्युफैक्चरर से खरीद पा रहे हैं, क्योंकि आजकल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी काफ़ी अच्छे दामों में दे रहे हैं, मार्जिन उनका बहुत ही कम है, तो जितने भी ज़्यादातर कस्टमर हैं, जो ज़्यादातर होलसेलर हैं, वो मैन्युफैक्चर ही ढूंढ रहे हैं, तो मैन्युफैक्चर मिलेंगे कैसा? दोस्तों, आप जिस धंधे में हैं, जिस बिजनेस में हैं, सबसे पहले कोई भी इंसान, कोई भी
जब अपना बिजनेस शुरू करता है, जब अपना बिजनेस शुरू करता है तो सबसे पहले वो उस लाइन को देखता है कि ये लाइन आखिर है कैसी। मान लो हम एक जीन्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो देखेंगे कि भाई जीन्स, सबसे पहले सर्च करेंगे कि जीन्स सबसे ज़्यादा बनता कहाँ है, मार्केट में आएगा। आप गूगल खोलिए, गूगल पर सर्च कर लिए मैन्युफैक्चरिंग जीन्स इन इंडिया लार्जेस्ट, चार पांच ऑप्शन आ गए, दिल्ली आ गया, मुंबई आ गया, उल्लासनगर आ गया, गुजरात आ गया, इंदौर आ गया, पंजाब आ गया। अब इसमें रेटिंग दिखाएगा कि सबसे ज़्यादा टॉप जीन्स कहाँ बनता है, तो आपको दो ही जगह आएगा, एक दिल्ली आएगा, एक उल्लासनगर आएगा। और अगर जींस में देखा जाए तो मैन्युफैक्चर जो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है जींस का, वो उल्लासनगर में होता है। फैक्चरिंग का यूनिट सबसे ज़्यादा है एक दिल्ली में और एक उल्लासनगर में। तो आप वहाँ के रेटों से कंपेयर करिए, या तो दिल्ली या तो उल्लासनगर आप घूमिए। जींस का बिजनेस करने जा रहे हैं, आपका मन है, तो आप पहले मार्केट देखिए, 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का टाइम निकालिए। आप दिल्ली हो लीजिए, आप मुंबई हो लीजिए, आप उल्लासनगर हो लीजिए, पहुंच जाइए रात को, सुबह उठिए, जींस का पूरा मार्केट है, एक चक्कर लगा लीजिए सवेरे 9 बजे। तो सवेरे 9 बजे कौन आएगा? भाई जो शाम को जल्दी दुकान बंद किए हैं। आप दिल्ली हो लीजिए, आप मुंबई हो लीजिए, आप उल्लासनगर हो लीजिए, पहुंच जाइए रात को, सुबह उठिए, जींस का पूरा मार्केट है, एक चक्कर लगा लीजिए सवेरे 9 बजे। तो सवेरे 9 बजे कौन आएगा? भाई जो शाम को जल्दी दुकान बंद किए हैं, वो फटाक से 9-10 बजे तक उनकी दुकानें खुल जाएगी, 9-10 बजे तक उनकी दुकानें खुल जाएगी। जो रात को 11-12 बजे दुकान बंद करके गए हैं, जिनके पास काम ज़्यादा था, सेलिंग ज़्यादा थी, वो रात को 11-12 बजे तक दुकान बंद करके गए हैं, तो उनकी दुकान 11-12 बजे खुलेगी। तो अब समझिए, जो मैन्युफैक्चरर है, छोटा सा दुकान कहीं लिया है, या दुकान उसका भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी उसका है, तो सबसे पहले वो अपने मैन्युफैक्चरिंग पे जाएगा, कारखाने पे जाएगा, काम देखेगा वहाँ का, उसके बाद फिर टाइम निकाल के 11-12 बजे तक वो अपनी शॉप पे पहुँचेगा। पहचान हो गई, पहली पहचान कि भाई जींस सबसे ज़्यादा जो बेच के गया है रात में, वो तो दुकान देर से खोलेगा, शाम को या शाम जल्दी बंद करके गया है, या तो कस्टमर नहीं थे, परेशान होकर बंद करके गया है, वो सुबह सोच रहा है कि आज जल्दी चलूँगा, जल्दी दुकान खुलेगी। ये भी है, कुछ और भी रीजन होते हैं। जीन्स के जो व्यापारियों के जो शोरूम है, जो होलसेलरों के शोरूम है, उनसे आप पूछिए कि भाई जीन्स बनता कैसे है, तो हो सकता है वो अपने कोई बंदे को दे दे, जहाँ पे जीन्स बनती है वो आपको घुमा दे। या तो फिर आप सुबह उठिए, आप उल्लासनगर आए हैं तो आपको दूध नाका उतरिए, बस स्टॉप उतरिए, वहाँ से आप देखिए, आप किसी भी गली में, किसी भी कोने में निकल जाएंगे उल्लासनगर 5 में, तो आपको जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग की जो दुकानें हैं, जो गाले हैं, वो एक तरफ से आपको नज़र आएंगे, आपको मशीनें की आवाज़ आना चालू हो जाएगी। तो आप समझ जाएंगे कि जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग इधर होती है।
आप कारखाने कारखाने घूम सकते हैं, कपड़े देख सकते हैं, स्टिचिंग कैसी होती है वो देख सकते हैं, माल फुल मुंडा बनता है, चालू बनता है, हाफ मुंडा बनता है, वो सब देख सकते हैं। तब आपको मालूम पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग उल्लासनगर में होती कैसी है और मैन्युफैक्चरर क्या है, होलसेलर कौन है, ट्रेडर्स कौन है, आपको ये सब मालूम पड़ जाएगी। और सबसे बड़ी पहचान आप देखेंगे मार्केट में, जब आप घूम लेंगे जींस की जितनी भी दुकानें हैं आप घूम लेंगे, सब देख लेंगे, तो आपको नज़र भी आएंगे कि भाई किस दुकान में पार्सल बंद रहे हैं, किस दुकान खाली है, तो उससे भी पता चलता है ना भाई जींस कहाँ अच्छा मिलता है। भाई जहाँ ज़्यादा बिकत होएगी वहाँ जींस अच्छा मिलता है। और हो सकता है कि आपको नए नए जो गलियों कोनों में दुकानें रखे हैं, अभी नया खोले हैं, उनको भी सुबह आप जाएंगे तो उनको भी देखने का मौका मिल जाएगा, तो हो सकता है वहाँ से भी आपका काम बढ़िया बन जाए, क्योंकि उनका मार्जिन कम है, मार्जिन कम है, नया नया दुकान है, उनको कस्टमर नया पकड़ना है, तो आपसे और अच्छी मार्जिन रखें। हो सकता है एक दो बार चार बार बिल्कुल मिनिमम मार्जिन रख के आपको माल दे देंगे कस्टमर बनाने के चक्कर में। तो आप अगर होलसेल का बिजनेस कर रहे हैं तो आप देखिए जो भी सामान खरीद रहे हैं वहाँ तक पहुँचिए कि ये बनता कैसे है, बनाता कौन है, किस चीज़ से बनता है, तब आपको मैन्युफैक्चरर मिल जाएगा। वो चाहे किसी पार्ट्स के आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी ऑटो पार्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं, कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, बुक किताब कॉपी का कर रहे हैं, ये का आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जब आप उस चीज़ के बारे में नॉलेज करेंगे कि भाई ये चीज़ बनता कैसे है, बनता कहाँ है, आता कहाँ से है, तब आप सही मानों में मैन्युफैक्चरर के पास पहुँच जाएंगे। तब आप सीखेंगे कि भाई चीज़ें क्वालिटी कैसी बनती है, अच्छी क्वालिटी गुड क्वालिटी हम कैसे खरीदें, हमको कैसे मिलेगी, ये आपको पहचान मिलेगी और आप अपने बिजनेस से पूरी तरह अच्छी तरह जुड़ पाएंगे। तब आपको लगेगा भी नहीं, आपके बाजू में भी कोई अगर बिजनेस नया खोल रहा है या खोला है, तब आप उसको टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि आपको तब तक बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा जिस भी सामान से आप, जिस भी चीज़ का बिजनेस से आप जुड़ रहे हैं, जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, उसकी जड़, उसका ABCD आपको पूरा मालूम पड़ गया है, तो उसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे, अच्छी नॉलेज में कर पाएंगे और बहुत बेटर कर पाएंगे। और अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदे हैं या कोई जींस आप खरीदे हैं उसमें ठगे गए हैं, आपके साथ धोखा हुआ है, तो दोस्तों धोखे से कैसे बचें, और अगर धोखा हो गया है तो सुधरे कैसे, वो सामान रिटर्न कैसा हो गए। मान लो आपके पास जींस आ गई है और आपके पास बिक नहीं रही है, चल नहीं रही है, आप पैसा भर के आए हैं, लेकिन अब वो रिटर्न कैसा हो गए, आपका बिजनेस फिर कैसे खड़ा हो। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों यही टॉपिक रहेगा कि अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो वो रिकवर कैसे हुए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मेरी सबसे पहले आपको मिले, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे साथ जो धोखा हो गया है, जो जींस हमारा हमने खरीद लिया वो चल नहीं रही है, तो रिटर्न कैसा हो गया और हमारा बिजनेस कैसा उठ खड़ा हो गया। दोस्तों ये नेक्स्ट वीडियो में।